23rd नंबर क्वेश्चन है हमारा. ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन द हीट ऑफ डाइमराइजेशन ऑफ एनओ टू विल बी. डाइमराइजेशन बताना है, रिएक्शन दे रखी है फर्स्ट एंड सेकेंड. अब इन दोनों को हमें क्या, डाइमराइजेशन होता क्या है, एनओ टू है उसके दो मोल मिलकर एक मोल एन टू ओ फोर का फॉर्मेशन करें, यही तो डाइमराइजेशन है. तो मतलब इन दोनों को ऐसे अरेंज करो कि ये रिएक्शन हमें मिल जाए, ठीक है. तो अब देखो हमें एन टू ओ फोर किस में चाहिए, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में, ठीक है. टू एन ओ टू किस में चाहिए, रिएक्टेंट में. अभी ये किस में है, प्रोडक्ट में है. तो प्रोडक्ट से हमें किस में लाना है, रिएक्टेंट में. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि रिएक्शन सेकेंड माइनस रिएक्शन फर्स्ट. तो क्या ये रिएक्शन आएगी, यस. तो इसका मतलब जो डेल्टा एच आएगा, तो डेल्टा एच सेकेंड 09.3 माइनस फर्स्ट वाला है 67.9. तो इसका जो आंसर आएगा डेल्टा एच वो आ जाएगा माइनस 58.6 किलो जूल, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है, ये तो सीधा सा था कि दो इक्वेशन है फाइनल. बच्चे को बस एक रिएक्शन लिखना आना चाहिए, डाइमराइजेशन के रिएक्शन होती क्या है, जहां अगर उसको लिखना आ गया रिएक्शन, चाहे वो फॉर्मेशन हो, चाहे कन्वेंशन हो, चाहे न्यूट्रलाइजेशन हो, एटोमाइजेशन हो, बस बच्चे को पता होना चाहिए वो होती क्या है एक्चुअल में, और उसमें कब कितनी एनर्जी, मतलब कब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कब वो रिलीज करता है. तो आप बच्चे को बेसिकली आइडिया जो है यही दोगे, कोई फॉर्मूला रटवाने की जरूरत नहीं है. मैंने अभी तक एक फॉर्मूला भी यूज नहीं किया है. तो बच्चे को फॉर्मूला नहीं रटवाना है, बच्चे को लॉजिकली लेके जाना है कि देखो कैसे यूज हो रहा है, कहाँ एब्जॉर्व कर रही है, कहाँ रिलीज कर रही है एनर्जी, ठीक है.